आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाई हाई बीएम कोल सेल्फ इग्नाइट। नॉर्मल बीएम रेंज जो होता है वो 22 से 25 रहता है, लेकिन जो हाई बीएम रेंज है वो 25 से 30 या इससे ऊपर रहता है। मोस्टली हाई बीएम कोल हैव सेल्फ इग्निशन इश्यूज रहता है। इसमें केसेस एंड प्रिवेंशन ऑफ कोल सेल्फ इग्निशन। When a heap or pile of high beam, मतलब जब high beam coal का कोई heap या pile हम बनाते हैं या form होता है, it can self, और ये क्या करता है, self ignite होके जलने लगता है। इसके कई factors हैं, जैसे heat generation, as the coal is stacked और हिप मैंने स्टाक किया जाता है या कोई हिप बनाया जाता है तो उसके अंदर माइक्रोवाइल एक्शन, ऑक्सीडेशन और जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ये क्या करती हैं, हीट को जनरेट करती हैं। और हाई बीएम कोल में प्रोपेनसिटी मतलब ये अधिक होता है इसमें, और उसके कंपेयर में नॉर्मल कंपेयर क्या ज़्यादा हीट जनरेट होती है कंपेयर टू लो वीएम कोल ड्यू टू इट्स हायर वोलेटाइल कंटेंट। ऑक्सीडेशन ऑफ कोल, कोल का ऑक्सीडेशन होता है, कोल पार्टिकल्स डू विथ हाई वीएम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है एयर की, दिस रिएक्शन रिलीज और ये रिएक्शन क्या है, हीट को जनरेट करता है। सबसे पहले होता क्या है इनिशियल स्टेज में कि जो मॉडरेट टेम्परेचर जैसे 200 से 400 जब रहता है तो कोल किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, लो मॉलिक्यूलर वेट का वोलेटाइल कंपाउंड फॉर्म करेगा लाइक CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा। दिस स्टेज इज ऑफ्टन स्लो, ये स्लो होती है एंड इसमें मे नॉट रिलीज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट। और एक्टिव स्टेज में क्या होता है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीज किस रेंज में पहुंचता है, 400 से 600 रेंज में जब पहुंचता है तो द ऑक्सीडेशन बिकम मोर विगेरियस मतलब ज़्यादा होने लगता है और क्या होता है मोर CO and H2 आर रिलीज होती है along with the volatile gases के रूप में such as जैसे मैथेन गैस हाईली इनफ्लेमेबल है, हायर hydrocarbons, दिस स्टेज इज exothermic होती है पूरी एंड कैन जनरेट सिग्निफिकेंट हीट। फिर नेक्स्ट क्या होता है, हाई टेम्परेचर स्टेज आती है, और हाई टेम्परेचर स्टेज में क्या होता है जब 600 से ऊपर रहता है तो जो CO है कंबशन ऑफ कोल बिकम इंटेंस रिलीजिंग मोर हीट और मोर हीट जनरेट होगा एंड फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने कार्बन जो है ना CO है वो सीधा CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टेज क्रूशियल इन कोल कंबशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। द ओवरऑल रिएक्शन को हम ऐसे समझ सकते हैं कोल प्लस ऑक्सीजन और यहाँ क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वाटर और हीट रिलीज होगी। नेक्स्ट रीजन होता है इनसफिशियंट एयर फ्लो, मतलब जब हम हिप बना देते हैं तो उसको इनसफिशियंट मतलब एयर प्रॉपर नहीं मिलती, मतलब व्हेन कोल इज टाइटली पैक्ड इन ए हिप एयर सर्कुलेशन विद इन द पाइल, मतलब जो हिप है एयर को सर्कुलेशन रिस्ट्रिक्ट रहता है उसमें, और ये रिस्ट्रिक्शन जो होता है ये क्या लीड करता है, पॉकेट ऑफ हॉट एयर का पॉकेट जनरेट करता है विद इन द कोल के अंदर या कोल के मास के अंदर
प्रमोटिंग, जो कि किसको प्रमोट करता है, सेल्फ इग्निशन को प्रमोट करता है। प्रिवेंशन क्या क्या है ले सकते हैं हम इसमें, स्टोरेज कंडीशन में क्या करना है हमको कि ऐसी जगह स्टोर करना है जहाँ पे ड्राई एरिया हो, स्टोर कोल इन ए ड्राई एरिया टू प्रिवेंट, किसके प्रिवेंट करना है, मॉइस्चर ऑब्जर्वेशन को रोकने के लिए, विच कैन एक्सेलरेट क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है, मॉइस्चर रिएक्शन लीड टू हीटिंग एंड कंबशन, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, अधिक कंजेस्टेड रहेगा, कंपाउंड रहेगा, क्लोज रहेगा तो भी सेल्फ इग्निशन का प्रॉब्लम आएगा, इंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन अराउंड स्टक्ट कोल टू डिस्पर्स हीट एंड गैसेस देन कैन एक्यूमुलेटेड एंड कंट्रीब्यूट टू स्पॉन्टेनियस कंबशन। फिर है अवॉइडिंग पाइल, मतलब हमें यदि कोल का पाइल बनाते हैं, हिप बनाते हैं तो ये जनरली आपका 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यदि इससे यदि आप हाइट बना रहे हैं तो सेल्फ इग्निशन का प्रॉब्लम हम फेस करेंगे, किसमें, हाई बीएम कोल में। और टेम्परेचर कंट्रोल या मॉनिटरिंग कर सकते हैं हम इसमें टेम्परेचर का, रेगुलरली मॉनिटर द टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको कोल का जो हाई पाइल है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, स्टोर्ड कोल यूजिंग टेम्परेचर प्रोब्स, मतलब कहीं थर्मामीटर या कुछ अरेंजमेंट यदि आप बना सकते हो मॉनिटरिंग के लिए तो वो आप कर सकते हैं, ताकि आप हीटिंग से पहले उसको कोल को फैला सको। कूलिंग के लिए भी है, या कोई फैन से कूलिंग दे सको उसमें पाइल को, पाइल का साइज को रिड्यूस करके, तो उसमें भी आप उसको सेल्फ इग्निशन से बचा सकते हैं। मिनिमम एक्सपोजर, इसमें कवरिंग का भी एक पॉइंट है कि यदि आप पाइल को किसी प्लास्टिक या उससे कवर कर देंगे तो अभी आपका सेल्फ इग्निशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, और या फिर आप लो वीएम कंटेंट का कोल यूज़ करें पॉसिबल हो तो। तो ये सब रीज़न हैं जिसके कारण सेल्फ इग्निशन होता है। अब हम जानेंगे कि सेल्फ इग्निशन के बाद कोल की प्रॉपर्टी में या उसका अप्रोक्सीमेट में क्या चेंजेस आते हैं, चेंजेस ऑन कोल प्रॉपर्टी। तो पहला है मॉइस्चर, जब टेम्परेचर या हीट मिलेगा तो क्या होगा, मॉइस्चर रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग सेल्फ इग्निशन कैन केज द मॉइस्चर विद इन द कोल टू एवोपरेट हो जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा ओवरऑल मॉइस्चर। यहाँ पर H2 लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा है वोलेटाइल मेटल VM, VM भी क्या हो गया, ये भी रिड्यूस होंगे, कम होंगे, द सेल्फ इग्निशन प्रोसेस रिलीज वोलेटाइल कंपाउंड एज ए गैस के रूप में निकलेगा, डिक्रीजिंग द वोलेटाइल मैटर कंटेन इन द रिमेनिंग कोल, वीएम कम हो जाएगा। यहाँ पर सी एस ली एक्स लिया है, एथेन मेथेन प्रोपेन हो सकता है, या H2 और हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा। इसके बाद है FC फिक्स कार्बन, ये भी जब सेल्फ इग्निशन होता रहेगा और टेम्परेचर ज़्यादा जाएगा तो क्या होगा, ये भी कम हो जाएगा, द कार्बन इन द कोल ऑक्सीडाइज एंड बर्न ऑफ ड्यूरिंग सेल्फ इग्निशन, रिजल्टिंग इन ए डिक्रीज इन द फिक्स्ड कार्बन कंटेंट
सी प्लस ओ टू ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और सी ओ टू बनाएगा, मतलब कंप्लीट कंबशन हो जाएगा इसमें यदि सी ओ टू में कन्वर्ट हो गया तो। और सी यदि कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हुआ तो ये इनकम्प्लीट कंबशन रहेगा, इसमें से वी एम ही कम होगा। द कार्बन इन कोल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस रिएक्शन डिक्रीज द एफसी, एफसी ड्रॉप हो जाएगा, एफसी कंटेंट, एंड इंक्रीज क्या होगा, एस कंटेंट बढ़ेगा। चौथा है एस फॉर्मेशन, जैसे कि यदि कोल में सेल्फ इग्निशन होता है तो जो कम्बर्शियबल मटेरियल है वो तो बर्न होगा और जो नॉन कम्बर्शियल मटेरियल है वो बचेगा, तो इसमें क्या होगा, आपका एस का लेवल बढ़ेगा। द इनऑर्गेनिक मिनरल्स इन कोल डोंट कम्बस्ट एंड आर लेफ्ट बिहाइंड एज ए एस आफ्टर द कम्बशन, इसमें एस का लेवल हमारा बढ़ जाएगा। दिस इंक्रीज द एस कंटेंट। प्रोपोर्शनली एज द ऑर्गेनिक मैटर वंस अवे। और जब हम ये चीज़ देखते हैं कि यदि हम किसी कोल का अप्रोक्सीमेट करते हैं तो उसमें से वी एम कम होता है, तो वी एम का लेवल जब कम होगा तो क्या होगा, आपका एफ सी का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि ओवरऑल में यदि हम देखते हैं तो टोटल कंटेंट होते हैं, यदि टोटल कंटेंट मिला के जैसे अप्रोक्सीमेट में हम क्या क्या एनालाइज करते हैं, मॉइस्चर, वी एम, फिक्स्ड कार्बन ऑन एफ सी एंड एस, यदि इसमें वी एम कम होगा तो क्या होगा, एफ सी बढ़ेगा। ये कब है, जब एक लेवल में वी एम रिलीज होता है, लेकिन यदि पूरा कम्बशन होना चालू हो जाता है और सी ओ टू में कन्वर्ट होने लगता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका एस का लेवल बढ़ेगा। और यदि हल्का फुल्का एफ सी रिलीज होता है सेल्फ हीटिंग से तो उसमें आपका एफ सी इंक्रीज होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो सेल्फ इग्निशन कोल है बर्न हो चुका है, इसको यदि हम DRI में यूज़ करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसमें VM कम हो चुका है और जो कोल कंप्लीट कम्बशन हो चुका है वो ही मिक्सअप हो गए, अल्टीमेट क्या करेगा, एस के लेवल को बढ़ाएगा। तो जब हम ऐसा कोल यूज़ करेंगे तो इस जनरली इसका क्या रहेगा, कैलोरीफिक वैल्यू कम हो जाएगी और इसको हमको कम्बशन के लिए एयर का डिमांड ज़्यादा रहेगा, प्लस जो हमको रिडक्शन के लिए जो CO का लेवल चाहिए वो अचीव करने के लिए कोल का जो कम्बशन है, सॉरी क्वांटिटी है, वो ज़्यादा लगेगी, माने कोल हमको ज़्यादा देना पड़ेगा तभी वो चीज़ CO का लेवल हम अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज़ क्या करेगा, आपका रिडक्शन के लिए कार्बन शॉर्ट पड़ जाएगा, क्योंकि S कंटेंट ज़्यादा हो गया, S कंटेंट ज़्यादा होने से S भी क्या करते हैं, सेल्फ हीटिंग के लिए एनर्जी को कंज्यूम करती है, तो इस कंडीशन में हमको कोल की क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी, मतलब कार्बन रेट हमको ज़्यादा चलाना पड़ेगा, तब जाके हमको एक रिडक्शन लेवल अचीव होगा। आर के इंफॉर्मेशन, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन।